नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जुलाई महीने के राशिफल की और मीन लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र जो है वो 7 से 31 जुलाई तक कर्क राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। मंगल 12 जुलाई को वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध जो है वो 19 जुलाई को सिंह राशि में रहेंगे। 19 जुलाई से आगे का जो भी भ्रमण होगा वो सिंह राशि में रहेगा और उससे पहले कर्क राशि में रहेगा। सूर्य जो है वो 16 जुलाई को कर्क राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मीन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु, और गुरु इस महीने तृतीय स्थान के अंदर है। और लग्नेश का तृतीय स्थान में जाना एक बहुत ही एनर्जेटिक सिचुएशन है। यहाँ पर राहु स्थित है जो आपको हर तरह से कहते हैं ना कि एडवेंचरस भी बनाता है और साथ साथ में बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रखता है। अब लग्नेश का तृतीय स्थान में जाना और मंगल के साथ भी युति बनेगी 12 तारीख के बाद, तो मुझे लगता है एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ समय रहेगा। ये इस महीने बहुत प्रिसाइज डिसीजन आप ले पाएंगे प्रोफेशनली। कॉन्फिडेंस काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। एनर्जी लेवल 12 तारीख के बाद यानी कि 12 जुलाई के बाद आपका जो भी मतलब कार्य रुका हुआ है वो सभी कार्य संपन्न होंगे। सेकेंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीय स्थान में मंगल स्थित है और द्वितीय स्थान में से 12 तारीख को मंगल निकल के चले जाएंगे और तृतीय स्थान में जाएंगे। ये स्वगृही मंगल है तो यहाँ पर 12 तारीख तक परिवार के अंदर वाणी का प्रयोग बहुत शांति से करना है, क्योंकि जब भी द्वितीय स्थान में मंगल इतने पावरफुल पोजीशन में होते हैं तो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग बन जाते हैं कुछ सिचुएशंस में। तो हो सके वहां तक कोशिश कीजिएगा कि अपनी वाणी में सॉफ्टनेस रखिएगा। बाकी सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से महीना बहुत अच्छा है और 12 तारीख तक की संभावनाएं भी बहुत अच्छी है। यहाँ जो द्वितीय है वो तृतीय स्थान में चले जाएंगे, तो मुझे लगता है आप सेविंग्स को 12 तारीख के बाद कहीं पे इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा समय रहेगा। और ये वाणी का सही उपयोग कहाँ पर करना है तो ये आप जैसे ही 12 तारीख के बाद यानी कि 12 जुलाई के बाद जो मंगल का भ्रमण होगा तृतीय स्थान में, वो आपकी सेविंग्स को सही डायरेक्शन भी आप दे पाएंगे और सही तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीय स्थान में आपका लग्न का स्वामी बैठा है और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि तृतीयेश की पोजीशन पंचम भाव में है। मंगल गुरु का एक बहुत अच्छा संयोग बन रहा है और मुझे लगता है आपके लिए बहुत अच्छा समय है 12 तारीख के बाद। आप कहीं पर भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कोई जॉब अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो 12 तारीख के बाद आपको इसमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिलेंगे। कोई भी स्थान परिवर्तन है आफ्टर 12 जुलाई आप ले सकते हैं इस प्रकार के डिसीजंस। काफी स्ट्रॉन्ग विल पावर, काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, बहुत ही एनर्जेटिक महीना है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेंगे कि जो भी रुका हुआ कार्य है, यहाँ गुरु मंगल बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन में बैठे हुए हैं शुक्र की राशि में, तो आपके सभी टारगेटेड कार्य पूरे होंगे, कम्युनिकेशन काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश बुध बनकर आपके पंचम भाव में है और फिर छठे घर में जाएंगे। बुध का भ्रमण 19 को जब होगा वो आपके 6th हाउस में होगा। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, यहाँ सूर्य की अवस्था ऑलरेडी है 15 तारीख तक, 16 तारीख को सूर्य भी यहाँ से चले जाएंगे, तो इस परिस्थिति में मुझे लगता है प्रॉपर्टी से आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे। तो 18 तारीख तक इस प्रकार के डिसीजन के लिए बहुत अच्छा समय है। दूसरी चीज, सूर्य यहाँ पर भ्रमण करेंगे तो अगर हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो 15 तारीख तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। ये ही चीज है कि ये मन का स्वामी होता है, चतुर्थ भाव का स्वामी, तो 18 तारीख के बाद अगर कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है तो वहां बहुत शांति से चीजों को रिजोल्व करना होगा और माता के स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा।
18 तारीख के बाद, यानी कि जैसे ही 19th को बुध आपके सिक्स हाउस में आएंगे, वहां पर अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। पंचम भाव की बात करते हैं। देखिए पंचम भाव में शुक्र है जो आपके तृतीय भाव के स्वामी है, तो स्टूडेंट्स के लिए स्थान परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा। सही प्रॉपर जगह पर आपको एडमिशन्स प्राप्त होंगे और यहाँ पर सूर्य की युति बनेगी शुक्र के साथ, तो शुक्र डेफिनेटली यहाँ पर पंचम भाव में बच्चों का सुख देते हैं। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि सूर्य यहाँ पर आएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स पे विचार मतभेद डेफिनेटली रहेगा, मगर ये सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट रहेंगे। दूसरी चीज, सूर्य यहाँ पर रहेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन बैठता है, तो जो भी लोग मार्केटिंग में है, जो भी लोग सेल्स में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये जो भी डिजाइनिंग क्षेत्र के अंदर है उनके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा समय कहूंगी मैं। और कहीं पर भी आपको सही कॉलेज की प्राप्ति, सही कोर्स की प्राप्ति करनी है तो ये समय आपके लिए बेटरमेंट लेकर आएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी ये महीना पूरा ही लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं आपके सिक्स हाउस की। सिक्स हाउस का स्वामी पहले तो चतुर्थ भाव में और फिर पंचम भाव के अंदर है, छठे घर में बुध रहेंगे, तो ये डिस्प्यूट का घर है। और यहाँ पर ये चीज जरूर कहूंगी कि कोई भी विवादित अवस्था हो, मगर मुझे लगता है कि इस महीने जो भी डिसीजन आपके होंगे वो बहुत सही रहेंगे। दूसरी चीज, बुध की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं पर भी कोई भी विवाद होता है लाइफ पार्टनर के साथ, तो वहां पर आपको 19 तारीख के बाद थोड़ा संयम बना के रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधित चीजों को लेकर बहुत घबराने की अवस्था नहीं है, मगर जिससे भी मानसिक रोग है या स्किन रिलेटेड इश्यूज है उनको भी ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। और जिसके हार्ट से कनेक्टेड प्रॉब्लम है उनको 15 तारीख तक कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या है, तो वहां पर अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ये चीज है कि अगर कोई लोन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से कनेक्टेड लोन लेना चाहते हैं, तो 15 तारीख तक का समय बहुत बेहतर है। और कोई एजुकेशन से संबंधित लोन लेना चाहते हैं तो 15 तारीख के बाद का समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तमेश जो है वो बुध बनकर पहले पंचम भाव में और बाद में छठे घर के अंदर है, तो यहाँ पर अगर कोई पार्टनरशिप करते हैं तो मुझे लगता है सोच समझ के कीजिएगा, यहाँ पार्टनरशिप से बहुत ज्यादा लाभ नहीं है। दूसरी चीज है कि पत्नी के साथ या पति के साथ जो गृहस्थ जीवन है वहां पर आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा, बहुत शांति से चीजों को डील करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके एक कम्युनिकेशन गैप आएगा। और स्पेशली कहा जाए कि आफ्टर 19th, क्योंकि बुध आपके खुद से 12th हाउस में जाते हैं, तो यहाँ पर गृहस्थ जीवन में विवाद होता है, और ये विवाद ऐसा होगा बहुत छोटी चीज को लेकर होगा। तो आप इस समय के अंदर, यानी कि स्पेशली कहा जाए कि 19th के बाद जो भी महीने का समय है वो आपको थोड़ा सा संयम में निकालना पड़ेगा। अगर कोई किसी भी प्रकार का आपके डायवोर्स केस चल रहा है या कोई ऐसा विवाद चल रहा है गृहस्थ जीवन में, तो इस समय के अंदर आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। एक ही चीज कहूंगी कि अभी हो सके वहां तक पार्टनरशिप बिजनेस को, या किसी भी बहुत बड़े रिस्क टेकिंग बिजनेस के अंदर जा रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा सतर्क रहना है। ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो डेफिनेटली आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के साथ चलने का समय है। अब बात करते हैं 8th हाउस की। तो 8th लॉर्ड जो है वो शुक्र बनकर आपके पांचवें घर में पूरे ही महीने रहेंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा समय है रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में। रिलेशनशिप डेफिनेटली आप पर बहुत हावी रहेगी और थोड़ा सा रिलेशनशिप में आपको शांति भी बना के रखनी पड़ेगी। एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी मेडिसिन के छात्र हैं, जो डिजाइनिंग के छात्र हैं, जो आईटी क्षेत्र में है, सभी को बहुत अच्छा लाभ है और यहाँ पर आपको काफी अच्छा हिडन नॉलेज भी प्राप्त होगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवमेश जो है वो मंगल बनकर आपके तृतीय स्थान में 12 तारीख के बाद, तो ये डेफिनेटली कहूँ कि जो भी लोग मास्टर्स करना चाहते हैं और मेडिसिन में मास्टर करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, कोई हायर लेवल कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो बहुत ही बेहतर समय कहूंगी। इस समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है,
यहाँ एक चीज है कि गुरु का जो दृष्टि संबंध है, जो सप्तम भाव पे भी और आपके नवम भाव पे भी है, जो आपके गृहस्थ जीवन के अंदर कहीं पर भी विवाद होगा तो उसको भी बैलेंस करेंगे गुरु, और यहाँ नवम भाव में दृष्टि संबंध करेंगे तो आपको डेफिनेटली स्पिरिचुअल कार्यों में आपका योगदान बनेगा। कहीं पर भी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, कोई स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहते हैं, समय बहुत अच्छा है। भाग्य के अंदर बढ़ोतरी है, फाइनेंशियल ग्रोथ का समय है। यहाँ पर टेंथ हाउस की बात करते हैं, टेंथ लॉर्ड आपके तृतीय स्थान में और साथ में मंगल के साथ एक बहुत ही शुभ योग बन रहा है, बहुत अच्छी अर्निंग होगी। प्रमोशंस अगर रुके हुए हैं तो 12 जुलाई के बाद आपके प्रमोशन के बहुत ही हायर लेवल चांसेस हैं। दूसरी चीज ये है, जिनके भी लाइक मंगल की या गुरु की महादशा चल रही है अपने बर्थ चार्ट में, उनको इसका लाभ और भी ज्यादा प्राप्त होगा। सुपीरियर्स का सपोर्ट मिलेगा, हर तरह से अप्रिशिएशन मिलेगा। बिजनेस है तो बिजनेस के अंदर बहुत ही अच्छी डील आपको प्राप्त होगी 12 तारीख के बाद। जो भी प्लानिंग, जो भी प्री प्लान्ड है, वहां पर आपको हर चीज के अंदर, जहां पर आपने जो जो कम्युनिकेशन किया है वहां पर आपकी बात आगे बढ़ेगी। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इस समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जो भी डिसीजन आप बड़े लेना चाहते हैं, जो भी बड़े कार्य करना चाहते हैं, जो भी आपने प्लान किया हुआ है, वो 12 तारीख के बाद आप एग्जीक्यूट कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। 11th हाउस की बात करते हैं, 11th लॉर्ड 12th हाउस में है, वक्री है शनि। यहाँ पर लाभ विदेश से बहुत अच्छा है, जो भी रुके हुए विदेश के कार्य है वो सारे ही संपन्न होंगे, कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे बनेंगे और डेफिनेटली लाभ में वृद्धि है। अब बात करते हैं 12th हाउस की, 12th हाउस में शनि जो है वो वक्री है, तो कोर्ट कचहरी के कार्यों में थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। दूसरा चीज, व्यय बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर अपने खर्च के अंदर बहुत ही कैलकुलेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है। ट्रैवलिंग के पीछे बहुत खर्च होगा, फॉरेन लैंड से बहुत अच्छा लाभ है, मेडिसिन के अगर बिजनेस में है तो बहुत अच्छा लाभ है, कोर्ट कचहरी के कार्यों में है तो बहुत अच्छा लाभ है। मगर जो लोगों पे कोर्ट केसेस या इस प्रकार का कोई केसेस चल रहे हैं प्रॉपर्टी के या डाइवोर्स के, तो इस समय के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। बहुत ही मुझे लगता है उन चीजों में खर्च हो सकता है, तो वहां पर आप नियंत्रण रखिएगा। बाकी फॉरेन लैंड से डेफिनेटली बहुत अच्छे लाभ होंगे। जो भी स्टूडेंट्स विदेश जाकर एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत अच्छा है और स्थान परिवर्तन का है, फायदे कारक है, सही जगह पर आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com, आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। जो भी परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।